नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे भूमि को खरीदने और बेचने के पांच ऐसे सूत्र जिन्हें प्रयोग करने से आपको भूमि खरीदने और बेचने में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य को करने का एक सही मुहूर्त होता है, इसी मुहूर्त के पांच पक्षों को आज हम जानेंगे। पहला, शुभ पक्ष। कृष्ण पक्ष में भूमि बेचना लाभकारी रहता है और शुक्ल पक्ष में भूमि खरीदना लाभकारी रहता है। दूसरा, शुभ तिथि। द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और पूर्णिमा तिथियां भूमि बेचने और खरीदने के लिए सर्वोत्तम होती हैं। तीसरा, शुभ वार। गुरुवार और शुक्रवार का दिन भूमि क्रय विक्रय के लिए सबसे अच्छा रहता है। चौथा, शुभ नक्षत्र। मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र भूमि क्रय विक्रय के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। शुभ लग्न। भूमि क्रय विक्रय के लिए किसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए वृषभ लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न सर्वोत्तम है। आज के लिए इतना ही। ज्ञान यात्रा में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमो नारायण।